गुड इवनिंग बच्चों, न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मात्रक की पद्धतियाँ। कल थोड़ा ये पहले इसको बताएंगे, उसके बाद हम बीमा स्टार्ट करते हैं। मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की तीन पद्धतियाँ हैं। मात्रक की तीन पद्धतियां हैं, तीन पद्धतियां हैं, मात्रक की तीन पद्धतियां हैं। पहला है सीजीएस, पहला है सीजीएस। यहाँ पर ये लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, ये समय। लंबाई को सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। ये फ्रांस की यूनिट थी, फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग इस यूनिट का प्रयोग करते थे। तो ये फ्रांसीसी फ्रांस की यूनिट थी, फ्रांस की इकाई यूनिट, ये फ्रांस की यूनिट थी। लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। दूसरा नंबर पे एफ पी एस, लंबाई को फुट में नापते हैं। जैसे हमें पाइप नापना हुआ, एक फुट है, दस फुट है, चालीस फिट है, तो लंबाई को फुट में नापते हैं। और द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड में। समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। ये ब्रिटिश की यूनिट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश यूनिट है, ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश यूनिट है। तीसरा नंबर पे एम के एस, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम, समय को सेकंड। और इसे बोलेंगे मीट्रिक यूनिट, मीट्रिक यूनिट। ये यूनाइटेड किंगडम, जहाँ के न्यूटन थे, न्यूटन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मीट्रिक यूनिट। प्रॉब्लम ये हुई कि सभी देशों में फ्रांस वाले कह रहे थे कि हमारी यूनिट सही है, ब्रिटिश वाले कह रहे थे कि हमारी यूनिट सही है। और ये हुआ कि सभी देशों में जब वहाँ पर सामान को खरीदा जाने लगा तो कुछ देश की वो कह रहे थे सेंटीमीटर में, तो नहीं समझ में आ रहा था कि यार क्या बोल रहा है। तो एक दूसरे में वस्तुओं को आदान प्रदान में खरीदने में प्रॉब्लम होने लगी। तो वो लोग कहे कि देखो, वो कहे हम फ्रांस वाले कह रहे थे हमारी यूनिट चलाओ, हमारी यूनिट सही है, ब्रिटिश वाले कह रहे थे हमारी यूनिट सही है। तो ये सब बहुत झगड़ा हो गया कि किसकी यूनिट सही माना जाए। तो ये हुआ कि मीटिंग कर लो, कहे देखो ऐसे हंगामा मचाने से कुछ होगा नहीं, मीटिंग कर लो और देखो। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और पेरिस संस्थान जहाँ पर मीटिंग हुई, वहाँ पर ये कहा गया कि देखो तुम लोगों का दो यूनिट ले रहे हैं, समय का सेकंड ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग कहेंगे नहीं, कहें तुम बताओ समय को सेकंड में लिया गया और ब्रिटिश वाले समय को सेकंड में ले लिया गया, कहे कोई प्रॉब्लम, कहें नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा तुम अब दो हमारी यूनिट ले लो, तो मीटर और किलोग्राम ये। और इसी पर कहा गया आज के बाद तुम लोग सभी लोग इसी बिल पर सिग्नेचर करो और आज से यही यूनिट चलेगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम पर जो लागू हुआ ये एम के एस, इसी को बोलेंगे एसआई सिस्टम। यहाँ से पीछे से पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इधर से पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, आई से बोलेंगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल और यस से होगा सिस्टम।
तो एम के एस का दूसरा एम के एस को ही लागू कर दिया गया ईएसआई सिस्टम में। अब क्वेश्चन आया कि किसकी यूनिट तीनों किसके किसका मात्रक तीनों पद्धतियों में समान है, तो एक क्वेश्चन बनता है समय का। तो एक क्वेश्चन पूछा गया किसका मात्रक तीनों पद्धतियों में समान है, तो समय का हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ, ऑप्शन दे दिया कि बताओ ब्रिटिश यूनिट कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन था, पहला दिया था फुट, दूसरा दिया था पाउंड, तीसरा सेकंड और चौथा ऑप्शन था मीटर। तो मीटर एम के एस पद्धति है। तीसरे क्वेश्चन बनेगा कौन ब्रिटिश यूनिट नहीं है, फुट भी ब्रिटिश है, पाउंड भी ब्रिटिश है, समय तो सेकंड का सब में है, मीटर एम के एस में है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कहने का मतलब इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा मात्रक है जो समय सभी पद्धतियों में समान है, तो आंसर होगा समय। और कौन सा मात्रक है जो ब्रिटिश यूनिट में नहीं है, तो मीटर है। तो कहने का मतलब इस पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की कौन यूनिट है सीजीएस, ब्रिटिश की कौन है एससीएस, और इंटरनेशनल यूनिट कौन है एसआई। एसआई सिस्टम की शुरुआत और लॉन्च हुआ एसआई सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया कब लागू हुआ 1971 में। एसआई सिस्टम लागू हुआ 1971 में, क्वेश्चन इस पे पूछा गया एनसीईआरटी में कि एसआई सिस्टम कब लागू हुआ 1971 में। आगे हम लोग कुछ मात्रक के बारे में देखेंगे कि मात्रक क्या है, मात्रक कौन कौन से मात्रक प्रयोग करेंगे। मात्रक और इसका उदाहरण जैसे कुछ है, यहाँ पर कहेगा कि किलोमीटर, एक किलोमीटर और यहाँ पर मीटर में, एक किलोमीटर बराबर 10³ मीटर। इसका उदाहरण है जैसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी नापते हैं कि कितना किलोमीटर तक है या कितना मीटर है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी नापते हैं। आगे कहेगा एक हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर 10²² मीटर, ये मीटर में है। इस हेक्टेयर में होता है खेत की लंबाई, कितना हेक्टेयर है कितना, तो ये खेत की लंबाई, खेत खलिहान की लंबाई लगते हैं। तो खेत खलिहान की लंबाई नापते हैं हेक्टेयर में। तीसरा नंबर कहेगा एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर और 10²² मीटर। और ये सेंटीमीटर में जैसे हम छोटी यूनिट नापते हैं, जैसे कितने सेंटीमीटर की बुक का पेज है, तो किताबों की लंबाई नापते हैं, किताब अथवा कॉपी की, किताब और कॉपी की लंबाई नापते हैं। आगे कहेगा एक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर बराबर 10²³ मीटर। और ये मिलीमीटर से हम नापते हैं केस नलियाँ, जैसे केस नलियों का व्यास कितना है, और जैसे लालटेन में मिट्टी का तेल चढ़ता है तो उसको बोलते हैं केसिका, तो केसिका तो का व्यास नापते हैं, केस नलियों का व्यास नापते हैं, तीसरे केस नली का व्यास नापते हैं, केस नली का व्यास नापते हैं एक मिलीमीटर। और इसका फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, इसलिए हम बता रहे थे हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल लगाने में हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि एक सेंटीमीटर में 10²² मीटर और 1 मिलीमीटर में 10²³ मीटर। आगे कहेगा 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10²⁶ मीटर। माइक्रोमीटर में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया का मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो बहुत छोटे होते हैं, जीवाणु को नापते हैं, जैसे वह कालरा का बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया है, तो इसका जो व्यास नापते हैं, लंबाई नापते हैं, माइक्रोमीटर में नापते हैं। अगला कहेगा एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर जीरो, इसका मतलब हुआ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये बहुत बार पूछा गया है, 10²⁻¹ मीटर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रॉम ये परमाणु का आकार होता है,
तो परमाणु का आकार एटम का आकार 10^-10 मीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रॉम परमाणु का आकार कितना होता है। आगे कहा गया एक फर्मी बराबर होगा 10^-15 मीटर, 15 मीटर, और ये नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार एक फर्मी होता है। जैसे ये परमाणु है, ये नाभिक है, तो परमाणु का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 10^1 एंगस्ट्रॉम, नाभिक का केवल इतना पोर्शन, तो ये वैल्यू माइनस में है, ये बहुत छोटी है। तो नाभिक का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ एक फर्मी किसका आकार होता है, तो नाभिक का आकार। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहेगा सबसे छोटी दूरी को किस में व्यक्त करते हैं, तो ये सबसे छोटी दूरी है फर्मी, ये स्मॉलेस्ट दूरी है, सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी को फर्मी में व्यक्त करते हैं, और सबसे लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 मीटर, पहले भी बताए थे, अभी भी बता दे रहे हैं। ये कहेगा 9.46 × 10^15 मीटर, इसे नापे में खगोलीय दूरी, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष की दूरी नापते हैं। और कहेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको नापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलेंगे AU, 1.496 × 10^11 मीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापते हैं, इसको नापेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, को इसको नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो कहेगा दूरी की सबसे लंबी सबसे बड़ी मात्रा तो प्रकाश वर्ष, दूरी का सबसे छोटा मात्रा तो फर्मी, कहेगा नाभिक का व्यास तो एक फर्मी होता है नाभिक का आकार, और कहेगा परमाणु का आकार तो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। ये कहेगा कि बताओ दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई तो प्रकाश वर्ष है, अथवा इसको बोलेंगे पार्सेक। अगर प्रकाश वर्ष नहीं देगा पार्सेक देगा, और पार्सेक नहीं है तो प्रकाश वर्ष है। आगे हम चलते हैं, कल कुछ बताए थे बीमा के बारे में, बीमा डायमेंशन के लिए हमने कल बताया था चाल की बीमा L·−1, त्वरण चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी को हमने बताया था L, समय के लिए T, ये ऊपर गया तो L·−1, त्वरण को वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग का बीमा, वेग मतलब चाल, इसको यहाँ वेग के स्थान पर रख दो तो L·−1/T, और T से T कटेगा नहीं कटेगा, ये माइनस में है प्लस में है, ये ऊपर जाएगा L·−2, और कहेगा बल, तो बल बराबर ये द्रव्यमान गुणित त्वरण का L·T, त्वरण वाला वैल्यू ये है, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो गया L·−2। हमने बताया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन
तो ये बल का बीमा हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो तो यम एल टी की पावर माइनस टू, विस्थापन मतलब होगा दूरी, यल यम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये चार बीमाएं हमने कल बताए थे कि याद कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पर आगे बीमा निकालेंगे। अब देखो जैसे तो ये कहेंगे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ये नोट करके लिखेंगे संख्या की कोई बीमा नहीं होती। द्रव्यमान का होगा यम, वेग का होगा एल टी के, देखो वेग का चाल एल टी के पावर माइनस वन, इसका होल स्क्वायर कर देंगे यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। इसका बीमा और इसका बीमा बराबर है। आगे कहेगा स्थितिज ऊर्जा एम जी एच यम गुरुत्वीय त्वरण, मतलब चाहे रेखीय त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, बीमा समान होगी एल टी पावर माइनस टू। ऊंचाई मतलब दूरी लंबाई यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। कार्य गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत विस्थापन। तो लंबवत विस्थापन, ये बल का बीमा हम इसलिए बोले थे याद कर लेना क्योंकि यम एल टी पावर माइनस टू और विस्थापन का यल यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी प्रकाश का वेग है और प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यम और यल टिक पावर चाल है, चाहे प्रकाश की चाल हो चाहे कुछ, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यम यल स्क्वायर टिक पावर माइनस टू। तो इसका बीमा भी, तो कहने का मतलब किस किस की बीमाएं समान हुई, कार्य की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल, आघूर्ण, आइंस्टीन समीकरण, इनकी बीमाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर नोट लगा के लिखेंगे कार्य बल आघूर्ण कामा गतिज ऊर्जा कामा स्थितिज ऊर्जा और आइंस्टीन समीकरण की बीमा समान होती है, कि बीमा यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू समान होती है। आगे देखेंगे इसकी बीमा, नोट करके याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है दे दिया किस किस की बीमाएं समान है, तो कार्य बल आघूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज आइंस्टीन समीकरण यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये इसकी बीमा समान होती है। आगे कहेगा आवृत्ति बराबर होता है 1/ आवर्तकाल, तो 1/t होगा। आगे कहेगा कोणीय वेग, तो 1/t बराबर टी के पावर माइनस वन। कोणीय वेग इसको बोलेंगे ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 2π/t, ये संख्या है, इसकी बीमा नहीं होगी, बीमाहीन है। और ये टी है तो ये टी के पावर माइनस वन। आगे कहेगा वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता वेग बटे दूरी। अगर कहेगा जिसमें भी प्रवणता शब्द लग जाए उसको दूरी से भाग दे देंगे, ये नोट करके लिख लेना, जहाँ भी प्रवणता शब्द आ जाए उसको दूरी से भाग देंगे। तो यल टी के पावर माइनस वन इसका वेग का और दूरी का यल, तो ये इससे ये कट गया तो ये बन गया टी के पावर माइनस वन। तो यहाँ नोट करके लिखेंगे आवृत्ति कमा कोणीय वेग कमा वेग प्रवणता की बीमा टी के पावर माइनस वन समान होती है। बीमा को यहाँ पर ऐसे भी लिखेंगे यम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, इसका
और टी के पावर माइनस वन, क्योंकि बीमा को यम एल और टी के टर्म में व्यक्त किया जाता है। तो यम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, किसी संख्या का वैल्यू जीरो उसका मान वन हो जाएगा, तो इसका मान वन हो, इसका मान वन, और ये बचेगा। तो बीमा को यम एल और टी के टर्म में व्यक्त करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता की बीमाएँ टी के पावर माइनस वन एक समान होती है। आगे देखते हैं, आगे कहेगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जे बराबर होता है यम आर वी, इसका यम यल वी का होगा यल टिक पावर माइनस वन, तो यम यल स्क्वायर टिक पावर माइनस वन। प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक ये कहेगा ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू होता है। तो प्लैंक नियतांक हमें एच की बीमा निकालना है, और एच का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड। तो ई बराबर होगा एच न्यू, और एच का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको एक तरफ कर लो, इसको इधर भाग दे दो। ये न्यू है, वेग नहीं है, न्यू, न्यू मतलब ये आवृत्ति है, तो आवृत्ति, इसको आवृत्ति बोलेंगे। तो ई अपान, और ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा की बीमा हो गई, अब ई अपान न्यू, ई अपान न्यू बराबर, या ऐसे कर लो ई बराबर एच इंटू न्यू का मान होता ये आवृत्ति एक बटे आवर्तकाल, ऊर्जा का एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू एच अपान टी, इसका इधर गुणा कर दो बड़े बटे एक करके, त्रिय गुणा कर लो, इसका इधर, इसका इधर, तो यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू इंटू टी बराबर एच, ये प्लस वन ये माइनस टू, तो यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन ये एच, बहुत बार पूछा गया है प्लैंक नियतांक की बीमा। तो प्लैंक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों की बीमा समान होगी, तो यहाँ नोट करके लिखेंगे प्लैंक नियतांक, प्लैंक, तो प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की बीमा समान होती है, कि बीमा एक समान होती है, एक समान होती है, और इसका मान कितना होगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। आगे क्वेश्चन आया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आगे क्वेश्चन आया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कर्षण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नियतांक की बीमा, नियतांक की बीमा, तो यह बराबर होगा कैपिटल जी यम ई यम अपान आर ई स्क्वायर, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणित 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो ग्राम स्क्वायर। ये आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, और आर ई का मान होता है 64 किलोमीटर या 6.4 गुणित 10 के पावर 6 मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा मास ऑफ अर्थ 6 गुणित 10 के पावर 24 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका हमें बीमा निकालना है, पीरियड गुणा कर दो, जी का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको गोलेम एक साइड में करो, बाकी सब आगे पीछे कर दो, जिसका निकालना है वही अकेला उधर रहेगा, बाकी सब इस साइड में भेजो। एफ इंटू आर ई स्क्वायर अपन एम ई इंटू यम बराबर कैपिटल जी, बल का बीमा यम एल टिक पावर माइनस टू, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ एल स्क्वायर पृथ्वी त्रिज्या है एल स्क्वायर, द्रव्यमान का यम इंटू यम, एक यम से एक यम कट गया, ये ऊपर गया, ये कैपिटल जी है, के हो गया यम के पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, तो दो और एक तीन, एल के पावर थ्री और टी के पावर माइनस टू, ये कैपिटल जी, ये इसका बीमा पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा बताओ। आगे कहेगा दाब, दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फोर्स अपान एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल,
बल का एफ अपान ए, अब बल का बीमा एम एल टी पावर माइनस टू ए, एरिया का लंबाई गुण चौड़ाई, तो ये एल स्क्वायर हो गया, एल इंटू एल, ये कट गया तो हो गया यम, एल ऊपर गया माइनस वन और टी पावर माइनस टू। प्रतिबल बराबर भी यही होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल मतलब फोर्स अपान एरिया, किसका यम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू। दाब और प्रतिबल की बीमा समान होती हैं, तो दाब और प्रतिबल की बीमा ये समान होंगी, तो दाब और प्रतिबल की बीमा एक समान होती है, तो कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक की बीमा पूछा गया है यम माइनस वन एल को टी पावर माइनस टू, दाब और प्रतिबल की बीमा एक समान होती है। आगे कहेगा जो जो इम्पॉर्टेंट है, अब देखो हम लोग जैसे याद करेंगे, कुछ बीमाएं ऐसी हैं जिसको निकालने में टाइम लगता है, यल अपन आर इसको पढ़ेंगे लालू राम, लालू आर से बोलेंगे राम, और सी आर सी का मा आर, यल है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व है लंबाई नहीं है, और आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, तो स्वप्रेरकत्व प्रतिरोध, लालू राम कालू राम अपने समय पर आते जाते हैं, अपने या ठीक समय पर आते जाते हैं, ठीक समय, समय मतलब इनकी बीमा समय के बराबर होगी, समय पर आते जाते हैं, आते जाते हैं। अगर हम इनको निकालने लगेंगे तो हमारा 5 मिनट से ऊपर समय लग जाएगा, तो इसको याद करिए, कई बार आया है यल अपन आर तो पढ़ेंगे लालू राम, सी आर कालू राम समय पर आते जाते हैं, इनका बीमा समय के बराबर होगा। जैसे हम निकालेंगे तो यू बराबर हाफ यल आई स्क्वायर होगा, यल यहाँ संख्या के बीमा ये एनर्जी है, फिर हम आई का निकालेंगे यहाँ पर, फिर आर का निकालेंगे तो आर बराबर होगा बी अपन आई, और फिर हम यहाँ पर आर का निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात रखेंगे, तो टाइम लग जाएगा एग्जाम में, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। ये है कि बेटा हम लोग यहाँ पर है कि काफ़ी यूनिट अभी आपको बताया जाएगा, ये तो हम लोग इतना दिए, जो भी है आपको अच्छे अच्छे पॉइंट दिए जाएंगे, और हम लोग जैसे सस्ता इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, 100 रुपये में एक सब्जेक्ट है, टोटल 500 रुपये में 5 सब्जेक्ट आप लोग स्टडी करोगे, और वो भी टीचर सारे फैकल्टी के टीचर जितने भी है सब अच्छे हैं, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग घर पर रहते हुए भी आपके पास अच्छा मैटर पहुँचे, और टॉपिक बाई टॉपिक स्टडी करो, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सवाल की प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्व किया जाएगा मैटर। तो यही है कि आप लोग जल्दी से, क्योंकि 25 तक हम लोगों ने डेमो क्लास दिया है, और 26 के बाद वही स्टूडेंट ये चैनल पर देख पाएगा हम लोगों को, हम लोग का वीडियो जो रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहेगा, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो आज तक के लिए केवल इतना ही, बस थैंक यू।